चलिए जी, किनका डाउट है इसको सेव कर देता हूँ, फिर हम डाउट कंटिन्यू करते हैं। तो क्या आज 29 है, 29 अगस्त है ना, तो बताओ भाई अमूल्य, क्या अमरते है, क्या है आपका डाउट? 33 हाँ नंबर एक बार के। अच्छा, तो अच्छा ये कौन से वाले, I-2BV ट्रांसपोज ये आपके ही हैं? नहीं सर, 33 नंबर है मेरा, डेल्टा मेथड वाला है मेरा, अच्छा अर्जुन आ गया ये था किन का है? तो एक मिनट, सर, ये मैंने भेजा था जो आपको अच्छा पढ़ा आपका रहा मेहर, था। ठीक है वन बाई वन एक इनका बता देते हैं फिर आगे चलते हैं। तो ये डेल्टा मेथड आपको पता है ना क्या है इसमें? सर पता तो है, लेकिन सर जी म्यू इसमें कांस्टेंट नहीं दिया हुआ है, वो बनाना पड़ेगा जी ना म्यू आपको, क्या कहता है ये, √n(g(x)^-gμ) कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0σ² यही है ना? सर। हाँ तो आपको क्या लगता है जी म्यू क्या है? जी में मुझे लगता है 20/9 है कांस्टेंट। नहीं, 20/9 कैसे, आपको बनाना पड़ेगा उसके लिए। सो आपसे अगर पूछा जाए कि व्हाट इज ये जी म्यू क्या होता है, ये जी म्यू क्या है? इसका एक्सपेक्टेशन है ना, नहीं म्यू क्या है आपका क्वेश्चन में, म्यू क्या है पहले बात, रुक जाओ। तो यहाँ पे जो एक्स आईज हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉर्मल है सर, नहीं, एक्स आई का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल कहाँ है? अच्छा नॉर्मल में क्या है, पैरामीटर क्या है, गामा में दिख रहा है, नॉर्मल कैसे हो गया, 33 ना गामा है, गामा है, है सॉरी ना? गामा हाँ गामा में क्या कांस्टेंट पैरामीटर है? है, 1/6 है और तो जैसे मैं अल्फा अगर वन ये बाई वाला सिक्स और फॉर्म लैम्डा लिखता अल्फा। हूँ, बीटा की पावर अल्फा, गामा अल्फा, एक्स की पावर अल्फा माइनस वन, ई की पावर माइनस बीटा एक्स, इसके कंपेयर करके बताओ, तो इससे कंपेयर करके बताओगे क्या मिलेगा? कंपेयर करो पीडीएफ को। सर तो 1/6 और 1/2। बीटा तो 1/8 है, कैसे कम कर भाई, अच्छा एक्स हाँ हाँ एक्स का कोएफिशिएंट क्या हाँ है, जी बीटा तो वन सर, बाई वन एट बाय है। एट और 1/6 नहीं, तुम तुक्का लगा रहे हो, ध्यान से देखने तुक्का, ठीक है ना? हाँ तुक्का। अल्फा माइनस वन माइनस 5/6 कितना आ रहा है, ठीक है ना? यस अल्फा सर, वन माइनस बाय वन इज इक्वल सिक्स टू माइनस 5/6, तो 1 माइनस डिक, ठीक है। तो इसका मीन क्या है? अल्फा बाय लैम्डा स्क्वायर होता है ना। यहाँ से मीन 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 भाई मीन, मैं जो फॉर्म लिखता हूँ इस वाले फॉर्म में आएगा अल्फा अपॉन बीटा मीन, तो अल्फा अपॉन बीटा निकालो। अल्फा बाय बीटा सो यहाँ पे 8/6, 4/3, और सिग्मा स्क्वायर, तो ये वाला सिग्मा स्क्वायर अलग है, ये सिग्मा स्क्वायर किसका वेरिएंस होता है, इसका ना, जी डैश म्यू का होल स्क्वायर होता है इनटू में सिग्मा ये स्क्वायर, किसका सिग्मा स्क्वायर किसका वेरिएंस होता है, यहाँ जो लिखते हैं वो किस पे किसका जी होता डैश म्यू के होल स्क्वायर इनटू सिग्मा का। है? हाँ सो यहाँ पे होता है एक्चुअली ये जी डैश म्यू होल स्क्वायर इनटू ये सिग्मा स्क्वायर, ये सिग्मा वाला जो स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्चुअली इसका वेरिएंस होता है। तो कितना है ये, सर, अल्फा बाय बीटा स्क्वायर निकालना पड़ेगा। नहीं, यहां से पहले ये निकाल लेते हैं, अल्फा बीटा स्क्वायर निकालो ना, पेन पेपर है तुम्हारे पास, करो ना कैलकुलेशन, अल्फा अपॉन बीटा स्क्वायर निकालो, जब डाउट पूछ रहे हो पेन पेपर लेके बैठे हो तो उसको कैलकुलेट करो ना। 3/4/6, 3 से कितना से कटेगा, ये 2 से कटेगा, 32/3। सो अब ये जो है हमारे यस सर, पास, 0.11। हाँ अब बताओ मुझे तुम्हारा जी एक्स फंक्शन क्या है, यहाँ पे जो जी म्यू लिख रहा हूँ, व्हाट इज द जी एक्स फंक्शन हेयर इन दिस क्वेश्चन, जी एक्स क्या है?
व्हाट इज योर जी एक्स हेयर कंपेयर जी एक्स है एक्स बार एन थ्री माइनस एक्स बार एन सो यहाँ एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स हो जाएगा जी एक्स बार है ना वो तो मैं जी एक्स बोल रहा हूँ या जी टी बोल दो अगर ऐसे डाउट आ रहा है सॉरी टी इंटू थ्री माइनस टी यही आएगा ना जी एक्स बार क्या है एक्स बार इंटू थ्री माइनस एक्स बार सो यहां से बताओ इसको सिंपलीफाई कर लो थ्री टी इधर पिछले क्लास में भी करा रखे हो तुम पुराने वीडियो लेक्चर देखोगे रिकॉर्डेड उसमें भी है जी डैश टी क्या आएगा जी थ्री माइनस टू टी तो थ्री माइनस टू टी ना अब यहां से निकालो पर एक जी चीज पूछनी है आपसे जी हाँ जी म्यू कितना आएगा बताओ पहले यहां से जी म्यू निकालो पहले बोलो सर सर ये जो जी एक्स बार जो है आपने इसको जी टी ले लिया और यही जी म्यू भी है अपना मतलब हाँ यही जी म्यू भी होगा म्यू डाल दो हाँ ठीक है जो बेसिक फंक्शन है कॉन्सेप्ट है ना अगर मैं जी एक्स लिख दूंगा तो एक्स इंटू थ्री माइनस एक्स हो जाएगा जी एक्स बार लिख दूंगा एक्स बार थ्री माइनस एक्स बार हो जाएगा इसमें क्या वेरिएबल चेंज करो फंक्शन के हिसाब से सो पर तुम्हें ये वहां जी पे फिर वो क्या था वो कांस्टेंट जो माइनस हो रहा था क्वेश्चन में फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं थी मतलब इम्पोर्टेंस नहीं थी कौन से फंक्शन माइनस ट्वेंटी जो कांस्टेंट माइनस हो अरे रहा मेरे था भाई मतलब ये है अभी वो अभी तो वेरीफाई कर रहा हूँ अभी उसी को तो वेरीफाई कर रहा हूँ कि ऐसा बनना चाहिए बन रहा है क्वेश्चन ये तो पूछ रहा हूँ सो व्हाट इज जी म्यू हमें ऐसा देखना है ना जी जी एक्स बार माइनस जी म्यू चाहिए ना यस सर तो एक्स बार में कांस्टेंट तुम क्या यहीं पे थ्री बाई अगर मान लो तुम यहीं पे ले लोगे माइनस ट्वेंटी बाई थ्री तो जी म्यू का कहाँ से लाओगे अरे तुम कहाँ तुम्हें थ्योरम में ठीक से समझ नहीं आया है थ्योरम में जी एक्स बार माइनस समथिंग है ना माइनस है ना समथिंग जब तुम यस सर पूरे को जी जी एक्स बार ही ले लोगे तो जी म्यू कहाँ से आएगा जी सर कंपेयर करो ना ठीक से तो सर तो कंपेयर जी हो गया थ्री माइनस टू म्यू हाँ निकालो जी म्यू कितना आएगा यहाँ से म्यू इंटू थ्री माइनस माइनस म्यू म्यू थ्री माइनस टू और म्यू कितना है फोर बाई थ्री पुट करो कितना आएगा ये ट्वेंटी बाई नाइन चेक करो एक बार ठीक से डाउट पूछे तो चेक करके आओ ना फोर बाई थ्री इंटू एक बार डेल्टा मेथड पढ़ लो क्या होता है एक दो एग्जांपल कर लो जैसे मान लो नहीं क्वेश्चन हो रहा है इसका तो क्या करना है बुक खोलना है या गूगल करना है डेल्टा मेथड एक दो एग्जांपल सॉल्व देख लो तो जब एक दो सॉल्व एग्जांपल देख लोगे थ्योरी के बाद तुम्हें आइडिया लग जाएगा कैसे वो लोग सॉल्व कर रहे हैं सर उससे ट्राई कर लो यही तो कहते हैं ना पीवाई को सॉल्व करें तो क्वेश्चन होगा या नहीं होगा नहीं होगा देखेंगे क्या प्रॉब्लम है पहले उसको सॉल्व करेंगे अगर तुम्हें पता ही नहीं कैसे सॉल्व करते हैं तो पहले एक अच्छा तरीका ये कि हम डेल्टा मेथड पढ़े बुक में है क्या या ऑनलाइन पढ़ेगा है क्या फिर देखें एक दो सॉल्व क्वेश्चन कि उसमें क्वेश्चन किया गया कैसे गया है फिर उसको हम आगे करें हाँ बताओ भाई कैलकुलेशन करो पेन पेपर लेकर बैठे हो कि नहीं कितना आ रहा है ये यहाँ से कैलकुलेशन को वेरीफाई कर रहे हैं कि जी में 21/4 ही है या कुछ और है जो भी दे रखा है तुम्हारे क्वेश्चन में क्या है यस ये सर सर तो इसको 20/9 के इक्वल रखना है सर नहीं हमें चेक करना उतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है हाँ इक्वल भी रख सकते हो तुम सॉल्व करना चाह रहे भाई म्यू मुझे पता है पुट कर देंगे यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि क्या सच में आ रहा है वो उतना पुट करो ना थ्री माइनस यहाँ म्यू की जगह रखो 4/3 जो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता उसके लिए पहले थोड़ा सा थ्योरी पढ़ लो फिर पी वाई क्यू पे आओ 9-4 कितना होगा 5/3 सर आ गया तो 20/9 ये वेरीफाई कर रहे थे ना कि 20/9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है तो मतलब जो क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में है भाई थ्योरम तभी लगाएंगे ना जब थ्योरम का जो अजम्पशन है उसको यस सर सेटिस्फाई करेगा क्वेश्चन तो पहले तो मैं चेक करूंगा कि जो हमारा क्वेश्चन है इस फॉर्मेट पे है कि नहीं अगर नहीं होगा तो उसे बनाएंगे इस तरह से अब बताओ ये क्या होता है ये सिग्मा स्क्वायर जो तुम बता रहे थे जी डैश म्यू सो व्हाट इज जी डैश एक्स
ये जी टी है, तो व्हाट इज जी डैश टी, डिफरेंशिएशन आता है थ्री इसका? माइनस टू टी अब बताओ यहां से जी डैश म्यू कितना होगा, म्यू कितना है यहाँ, 4/3 होगा, है, थ्री माइनस टू म्यू। हाँ बताओ कितना आएगा? एक तो मुझे लग रहा है तुम सो रहे हो, क्वेश्चन पूछ रहे हो डाउट में, इसको पुट करके आंसर बताओ ना। थ्री नो सर, यहाँ पे मैं बता देता माइनस टू इंटू 4/3, हूँ, 3 - 8/3, सर 1/3। 9 - 8/3, 1/3। अब पुट करो यहाँ पे, यही तो आंसर है ना इस क्वेश्चन का। सो पुट करो जी डैश म्यू तुम्हारा 1/3 आया। सो 1/3 का स्क्वायर इंटू एक्चुअल सिग्मा स्क्वायर क्या था, 32/3। तो यस कितना आ सर, गया ये? सो आ गया 32/9, 3 जा 27। ये आंसर नहीं है, 27। यही आंसर होगा, चेक करो, कन्वर्ट करो डेसिमल में। पीवाई क्यों सॉल्व करना चाहिए फिर, करने कहाँ सर वन दिक्कत है, पॉइंट वन एट करो सिंपलीफाई करो, का है आंसर वन की देख लो पॉइंट मुझे। यस सर ठीक है, नेक्स्ट पर्सन पे आते हैं जी। तो